अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहू। मैं अब्दुल्ला आज इस प्रोग्राम का नाज़िम होने की हैसियत से आज बरोज़ इतवार 29 अक्टूबर 2023 1445 हिजरी 13 रबीउल आखिर को आज के हमारे मुखर्रिर फजीलतुल शेख अरिफुद्दीन कलीम उमरी मदनी हफीज़ुल्लाह का और इदारे में मौजूद आप तमाम मर्द व ख़वातीन का मैं तहे दिल से आज इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ। अब मैं आपको अलिफ़ टीवी का मुख्तसर सा तारुफ़ देना चाहता हूँ। अलिफ़ मीडिया नेटवर्क्स एंड प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड मीडिया हाउस है जिसके तहत अलिफ़ टीवी चलाया जाता है। इस मीडिया हाउस में उलेमा और स्पीकर्स के दीनी बयानात और इस्लाही बयानात की प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्डिंग्स किए जाते हैं। साथ ही साथ इस्लामी क्वेश्चन आंसर्स और इंटरेक्टिव सेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप, इस्लामिक किड्स कैंप, इस्लामिक काउंसलिंग वगैरह के भी एपिसोड्स किए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फ्री कुरान और इस्लामिक लिटरेचर कुरियर के ज़रिए सारे हिंदुस्तान में नॉन मुस्लिम्स भाइयों को उनके ऑर्डर पर भेजा जाते हैं। और आज के नालिम के मखसूस नंबर पर आप तमाम सवालात कर सकते हैं जिसके ज़रिए आप तमाम को तसल्लीबख्श जवाब हासिल होंगे। अलिफ़ टीवी के शुबाए ख़वातीन आलिमा एडवोकेट जुबेरिया नौशीन साहिबा की निगरानी में मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ अंजाम दिए जाते हैं। एडवोकेट आलिमा जुबेरिया नौशीन साहिबा हर रोज़ 4:45 PM से 5:30 PM तक आपकी 30 मिनट्स की आपकी ऑनलाइन इस्लामिक क्लास होती है। अगर आप तमाम अपने घर के ख़वातीन को इन क्लासेस में ज्वाइन कराना चाहते हैं तो मज़ीद तफसलात के लिए 8125303208 पर रब्ता कर सकते हैं। अलिफ़ चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से हर माहाना फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ओल्ड एज होम में लंच अरेंजमेंट, गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स में फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन और हर सरमा के मौसम में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। खान्स एडवोकेट्स एंड एसोसिएट्स की जानिब से लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, फ्री मैट्रिमोनियल काउंसलिंग और लीगल गाइडेंस लॉ स्टूडेंट्स किया जाता है। अब मैं बिना किसी ताखीर के आज के हमारे मुखर्रिर फजीलतुल शेख आरिफुद्दीन कलीम उमरी मदनी हफीज़ुल्लाह का मुख्तसर सा तारुफ आप तमाम को देना चाहता हूँ। आपने जामे दारुस्सलाम उमराबाद से 1981 में फ़रागत हासिल किए हैं और जामियतुल इमाम मोहम्मद बिन सऊद अल इस्लामिया सऊदी अरबिया ब्रांच से आपने 1987 में फ़रागत हासिल किए हैं और अब आप फ़िलहाल हैदराबाद में दाई की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब मैं बिना किसी ताखीर के आज के हमारे मुखर्रिर फजीलतुल शेख आरिफुद्दीन कलीम उमरी मदनी हफीज़ुल्लाह को दावत देता हूँ कि अपना बयान आगाज़ करें बउनवान फ़लस्तीन माजी और हाल के आईने में। फजीलतुल शेख आरिफुद्दीन कलीम उमरी मदनी हफीज़ुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وهو السميع البصير। سورة بنو إسرائيل। برادران اسلام، معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، इस्लामी माओ बहनों, प्यारे बच्चों, नाज़रीन किराम, मेरा मौजू है फ़लस्तीन माजी और हाल के आईने में। पिछले 20 दिनों से फ़लस्तीन सारी दुनिया का मौजूए बहस बना हुआ है। उसकी वजह ये है कि 7 अक्टूबर की सुबह फजर के बाद हमास के जंगजुओं ने इसराइल के इलाके में दखल अंदाजी की, रैकेट उन पर दागे और बहुत सारे लोगों को वहाँ से पकड़कर कैदी बना कर ले आए। ये वाक़िया है 7 अक्टूबर 2023, तकरीबन 22 दिन पहले का। इस वाक़िए के बाद इसराइल ने
अपना रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए फ़लस्तीन का जो गज़ा का इलाका है जिसमें हमास तहरीक की नुमाइंदगी होती है वहीं से ये कार्रवाई की गई, तो उसके बाद उन्होंने इसराइल ने फ़लस्तीन पर बमबारी शुरू की जिसके नतीजे में मुसलसल 20 दिनों से ये बमबारी जारी है जिसके नतीजे में लाखों फ़लस्तीनी बेघर हो गए, उनके मकानात ढा दिए गए, बमबारी में तबाह बर्बाद हो गए, खाने पीने की सारी जितनी सहूलतें थीं वो ख़त्म हो गई और उन तक इमदाद पहुँचाने के वसाइल व ज़राए भी नहीं रहे। एक तरीक़े से वो एक आजमाइश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हद ये है कि इसराइल ने हॉस्पिटलों पर और उन कैंप पर जहाँ पर ये मुकीम हैं और अपने घरों से निकलकर वहाँ पनाह लिए हुए हैं उस पर भी इसने बमबारी की है जिसके नतीजे में हज़ारों बच्चों का, हज़ारों औरतों का, हज़ारों बूढ़ों का, हज़ारों नौजवानों का जानी व माली नुकसान हुआ है। ये मसला क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये फ़लस्तीन और इसराइल, ये दो फ़लस्तीन में मुसलमान हैं और इसराइल में यहूदी हैं, इनकी तारीख क्या है, ये कैसे इसराइल यहाँ पर आबाद किए गए और इस ज़मीन की तारीख माजी में क्या रही है, इस पर मैं कुछ तफसीलात आपके सामने रखना चाहता हूँ। दुनिया आबाद हुई, आदम अलैहिस्सलाम आए, उनकी औलाद ज़मीन पर फैली, फिर उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम नबी बनाकर भेजे गए और उनकी दावती मुद्दत 1000 साल रही। 1000 साल में उनकी कौम ईमान नहीं लाई सिवाय चंद लोगों के, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने उस कौम पर अजाब भेजा। वो अजाब इतना बड़ा था कि उसमें सारी दुनिया डूब गई, जहाँ इंसान बसते थे वो सब के सब उसकी जद में आ गए, पूरी दुनिया में कोई आबादी बाकी नहीं रही सिवाय उन चंद लोगों के जिनके लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनाई थी और वो लोग जो कश्ती में सवार हो गए थे सिर्फ वही लोग बच पाए जिसमें वो लोग उन पर ईमान लाने वालों में शामिल थे। जब तूफ़ान ख़त्म हुआ, पानी रुक गया, ज़मीन ने पानी को जज़्ब कर लिया, आसमान से बारिश का बहना बरसना रुक गया, तो नूह अलैहिस्सलाम से कश्ती में लोग उतरकर ज़मीन पर आबाद हो गए। नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, एक बेटे का नाम साम था, एक दूसरे बेटे का नाम हाम था, तीसरे बेटे का नाम याफिस था, एक और चौथा बेटा था वो याम के नाम से, उसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी और उसने कहा कि मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और बच जाऊंगा,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो काफिर था तो वो उसमें डूब कर मर गया। अब उनके ये तीन लड़के इस ज़मीन पर तीन इलाकों में चले गए। बड़े लड़के साम अरब में उतर गए, अरब जज़ीरे में। दूसरा लड़का उनका हाम ये रोम चले गए, यूरोप। और तीसरा लड़का याफिस ये अफ्रीका चले गए। तो इन तीनों इलाकों में इनकी औलाद फैलती चली गई, यानी एक तरीके से अरब और एशियाई सरजमीन में साम की औलाद है। इस लिहाज से यहाँ जो ज़बानें बोली जाती हैं उनको सामी लुगात कहा जाता है, सामी ज़ुबानें जो हज़रत साम की कौम ने ईजाद की थी। फिर यूरोप रोम जो चले गए हाम, तो वहाँ की लैटिन और दीगर ज़बानें वहाँ की राइज हो गई और उनकी नस्ल वहाँ पर परवान चढ़ने लगी। फिर तीसरा लड़का अफ्रीका चला गया, तो अफ्रीका में उनकी नस्ल फैलनी शुरू हो गई और वहाँ की सवाहिली ज़ुबानें उन लोगों ने ईजाद कर ली। अरब का इलाका जैसा कि मालूम है सहरा का इलाका है, जज़ीरे अरब। तीनों तरफ समंदर है और बीच में सहरा है और वहाँ बारिश बड़े कम होती है, बड़ी मुख्तसर सी होती है और वहाँ ज़्यादा खेतियाँ नहीं हैं, सरसब्ज व शादाब इलाके नहीं हैं, तो उनको रोज़गार कमाने के लिए मुश्किल हो रही थी। तो उनमें से चंद लोग उस अरब के इलाके से हिजरत करके कनान आए। कनान ये वो इलाका है जिसको आज हम फलस्तीन कहते हैं। तो कनान में आकर वो लोग आबाद हुए साम की औलाद में से, और वहाँ पर इनकी बुदोबाश बढ़ी, लोगों ने ज़िंदगी गुजारनी शुरू की। फिर यूनान ग्रीक जिसको हम कहते हैं, वहाँ से लोग समंदरी रास्ते से इस इलाके पर आकर हमला किया करते थे। इनको मिस्र के लोग शुऊबुल बहर कहते थे। शुऊबुल बहर वो कौमें जो समंदरी रास्ते से हिजरत कर कर या सफ़र कर कर आती हैं उनको शुऊबुल बहर कहते हैं। तो ये फ़लस्तीन के इलाके में आते थे, वहाँ आबाद होते थे, वहाँ लूट मचाते थे, यूरोप से आते थे। तो उसको उनकी अपनी ज़ुबान में पेलेस्टो इसको कहा जाता था, पेलेस्टो, जिसके माने हैं समंदरी रास्ते से आने वाले लोग। तो इस लिहाज से उनका नाम पेलेस्टो से फ़लस्तीन पड़ गया और वो वहाँ आकर आबाद होने लगे। इस तरीके से वहाँ की आबादी बढ़ती चली गई। फ़लस्तीन के बारे में कहा गया कि ये अर्दुन मुंबसितुन, ऐसी ज़मीन जो हल्की सी निचली सतह पर है और ज़रखेज़ है, हरियाली यहाँ पर ज़्यादा है, सरसब्ज़ व शादाब है, खेतियाँ नमूदार होती हैं, बारिश के मौसम में बारिश होती है, गर्मी भी ज़्यादा नहीं होती, यहाँ का मौसम खुशगवार होता है। इस इलाके में आबादी बढ़ती चली गई और इस जब आबादी बढ़ती गई तो उनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर अंबिया को भेजना शुरू की। तो इस ज़मीन पर
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान के बाद जब यहाँ की आबादी बढ़ गई और इनको हिदायत और सीधा रास्ता बताने के लिए अंबिया की ज़रूरत पड़ी, तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फ़लस्तीन भेजा। कहाँ से? इराक़ से। इराक़ का एक गांव था, कस्बा था, उसका नाम उर था। हज़रत इब्राहीम की तारीख़ है, वहाँ के बादशाह नमरूद था, उसके बुतों की पूजा करता था, तो उससे मुकाबला किए, बहस मुबाहसा किए, वहाँ से निकलकर वो मक्का आए। मक्के में अपनी बीवी हाजिर को छोड़ा, उनके साथ एक लड़का था हज़रत इस्माइल। फिर वहाँ से वो फ़लस्तीन आए और फ़लस्तीन में अपनी नबूवत का आपने ऐलान किया और लोगों को इसकी तरफ दावत देने लगे। वहाँ आपकी एक और बीवी थी, उनका नाम सारा था, ये आपकी बड़ी बीवी थी। इनसे भी एक लड़का हुआ, उसका नाम इसहाक था। इसहाक ये भी हज़रत इब्राहीम के बाद उस ज़मीन में नबी बनाए गए, इसहाक अलैहिस्सलाम। फिर इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए और याकूब अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने नबी बनाया। तो नबियों का सिलसिला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में शुरू किया, इब्राहीम, इसहाक, याकूब, और याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। और ये सब के सब कनान में रहते थे, उस वक्त उस इलाके का नाम कनान था और वहाँ पर उन्हीं की हुकूमत थी। तो ये 12 बेटों से जो औलाद फैली वो बनू इसराइल कहलाई। इसराइल ये याकूब अलैहिस्सलाम का भी नाम है, एक नाम याकूब है और एक नाम उनका इसराइल है। इसराइल के माने हैं अब्दुल्लाह, इब्रानी ज़बान में इसका माना है अल्लाह का बंदा। इसरा के माने बंदा, ईल के माने अल्लाह, तो अल्लाह का बंदा। तो यह इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का नाम था और याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हुए और इन 12 बेटों के ख़ानदान फैलते चले गए, तो ये 12 कबीले हो गए, 12 कबीले बन गए, मशहूर हो गए, फैल गए अरब कनान की ज़मीन में। फिर क्या हुआ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने उनके साथ अलग मामला किया, उनको कुएं में फेंक दिया, तो मिस्र एक काफिला जा रहा था तो उनको मिस्र लेकर चले गए। तो इस तरीके से ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र मुंतकिल हो गए कनान से। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में तफसील से 12 रुकू का क़ुरान में एक सूरा है, सूरह यूसुफ, जिसमें पूरी तफसीलात मौजूद हैं कि क्या क्या उनके साथ पेश हुआ, किस तरीके के हालात हुए। उस ज़माने के एक बादशाह ने ख्वाब देखा, उस ख्वाब की तफसील ताबीर लोग नहीं बयान कर सकते थे, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इसका इल्म दिया था, वो जेल में थे। उस वाक़े की बड़ी तफसीलात हैं। तो बहरहाल हुआ ये कि उस बादशाह को उन्होंने ख्वाब की ताबीर बताई और उसमें ये था कि उनके मुल्क में कहत साली आएगी और बड़ी शिद्दत की कहत साली होगी, तो उसको कैसे निपटा जाए, ये मसला बादशाह के पास परेशान कुन था। उससे पहले 7 साल तक काफ़ी पैदावार होगी, गल्ला होगा, फिर उसके बाद 7 साल कहत साली होगी। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे ये ज़िम्मेदारी दे दो, मैं इस ज़िम्मेदारी को संभाल लूँगा। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये ज़िम्मेदारी संभाल ली।
उसके बाद मुल्क में कहत पड़ गया, दूर दूर से लोग आने लगे गल्ला लेने के लिए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो 11 छुटे हुए भाई थे, कनान में रहते थे, वो भी गल्ला लेने के लिए उनके पास आए और उनको गल्ला देकर भिजवा दिया गया। फिर अपने एक भाई को रोक लिया, उसकी तफसीलात कुरान में मौजूद हैं। फिर बाद में जब उनको पता चला कि उनके भाइयों को कि ये यूसुफ हैं, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद याकूब अलैहिस्सलाम और उनके 11 भाई ये मिस्र मुंतकिल हो गए। तो जो याकूब अलैहिस्सलाम का ख़ानदान कनान में था, वो वहाँ से मिस्र वापस आ गया, मिस्र में आबाद हो गया, मिस्र में रहने लगा। और मिस्र ही में उसी इलाके का हिस्सा था, वो भी करीब का इलाका था, बीच में एक दरिया पड़ता था, उसको पार कर कर जाने के बाद मिस्र का इलाका होता था और वहाँ रहने लगे, वही आबादी हुई और अंबिया भी उन्हीं के दरमियान में भेजे जाने लगे। और उन्हीं नबियों में बनू इसराइल, जो इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थी, वो मिस्र में फैल गए। और उन्हीं में से मूसा अलैहिस्सलाम नबी बनाकर भेजे गए। तो जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बात, उनके याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद वहाँ पर बस गई थी, वो ईमान ले आए मूसा अलैहिस्सलाम पर, तो इन लोगों को ही बनू इसराइल कहा जाता है। बनू इसराइल वो लोग बाद में उस लिहाज से मशहूर हो गए, कुरान ने उनका ज़िक्र बनू इसराइल की हैसियत से किया, जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगंबर जाना, उन पर ईमान ले आए। तो कुरान ने उसको या बनी इसराइल अज़कुरु नेमती अल्लती, कुरान ने कहा कि ऐ बनी इसराइल, तुम अल्लाह की उन नेमतों को याद करो जो अल्लाह ने तुम पर की हैं। तो ये अल्लाह की पसंदीदा कौम थी, अल्लाह ने इन पर बड़े फ़ज़ल, बड़े कर्म, बड़ी इनायतें, बख्शिशें इनको अता की थी। लेकिन अल्लाह की इन मेहरबानियों का, रहमतों का, कर्म व फ़ज़ल का उन्होंने फ़ायदा गलत उठाया और हर बात पर बहस करना, हुज्जत करना, लड़ना, झगड़ना, फितना व फसाद पैदा करना, बात में बिगाड़ना, बतंगड़ पैदा करना, ये इनकी आदत सानिया हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको बड़ा बर्दाश्त किया। इनको सज़ा देने के लिए अल्लाह ताला ने कभी इन पर खून का अज़ाब भेजा, हर चीज़ के अंदर ही खून ही खून होता, कभी खटमलों का अज़ाब भेजा, जहाँ उठाते वहाँ पर खटमल ही खटमल होते, कभी मेंढकों का अज़ाब भेजा, इनकी बस्तियों में मेंढक ही मेंढक होते। इस तरीके के मुख्तलिफ अज़ाब से अल्लाह तबारक ताला ने इस कौम को सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग बाज नहीं आए। फिरौन मिस्र में था और फिरौन मुसलमानों का दुश्मन था और बनू इसराइल का भी दुश्मन था। जो मिस्र की आबादी थी, ये तो मिस्र हिजरत कर कर आने वाले लोग थे, जो मिस्र की ओरिजिनल आबादी थी वो फिरौन के मानने वालों में से थे और उनको कब्ती कहा जाता था। तो कब्ती इनके मुकाबले में कब्ती को ज़्यादा अहमियत हासिल थी और वो बनी इसराइल को दबा कर रखते थे। उनके एक ख्वाब, उनके एक काहिन ने बताया, जो पामिस्ट होते हैं, उसने बताया कि तुम्हारे यहाँ एक लड़का पैदा होगा बनू इसराइल में से और वो तुम्हारे लिए ख़तरा बनेगा। तो फिरौन ने सारे बनू इसराइल
के पैदा होने वाले बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया और औरतों को के साथ वो लोग बेहयाई और ज़ुल्म व सितम का मामला करते थे। अलगर्द हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने फिरौन का मुकाबला किया, अल्लाह ताला ने उनको बचाया। फिरौन के ही महल में हज़रत मूसा अलैहि सलाम की परवरिश हुई, वो जवान हुए। फिर एक कत्ल उनके साथ हुआ, एक शख्स को मार दिया तो वो मर गया। फिर वहाँ से निकलकर वो मदायन चले गए। फिर मदायन से एक अरसे के बाद अपनी बीवी के साथ वापस आए तो अल्लाह ताला ने उनको रास्ते में नबी बनाया। नबी बनकर जब वो इस मिस्र पहुँचे तो उनकी कौम ने उनका इस्तकबाल किया और नबी बनाए गए। तो फिरौन में और मूसा अलैहिस्सलाम में बहुत सारी बहस मुबहसे हुए। कुरान ने कहा तुम जाओ फिरौन को दावत दो, नरमी से बात समझाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत कोशिश की लेकिन फिरौन का जुल्म बढ़ता गया, यहाँ तक कि मामला यहाँ तक पहुँचा कि अल्लाह तबारक ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम से कहा कि तुम लोग यहाँ से निकलकर दरिया पार करके चले जाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम निकले, रास्ते में उनको दरिया मिला, समंदर मिला, तो वो परेशान हो गए और उनकी कौम जो हर वक्त उनके साथ उल्टी बहस करती थी उस वक्त भी या मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुमने हमको कहाँ ला के फंसा दिया, सामने समंदर है, पीछे से फिरौन आ रहा है, हमें वो पीस के रख देगा, तुम हमको बड़ी मुसीबत पे लाकर डाल दी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन्ना रब्बी सयहदीन, मेरा रब मुझे रास्ता बतलाएगा, इस परेशानी से निकलवाएगा। फिर अल्लाह ताला ने कहा फ़ज़रिबी असाकल हजर, कि तुम समंदर पे अपनी लाठी मारो, रास्ते बन जाएंगे, फिर वहाँ से तुम निकल जाना। तो वो लोग वहाँ से निकल गए और रास्ते में जब देखा पीछे से फिरौन आ रहा था, ये रास्ते में जा रहे थे तो उसने समझा कि रास्ता बन गया है, ये भी उनके पीछे पीछे निकल जाएगा। तो मूसा और बनू इसराइल पार हो गए और फिरौन और उसका लश्कर जब दरमियानी समंदर में आ गया तो अल्लाह तबारक ताला ने पानी को पाट दिया और इस तरीके से फिरौन और उसकी कौम डूब गई। अब पार करके दूसरी तरफ जब समंदर के गए तो वहाँ पर एक सहरा था, उसको कहा जाता है सहराए सीना। सहराए सीना, इसका कुछ इलाका उर्दुन में है, कुछ इलाका मिस्र में है, हाँ तो ये फ़लस्तीन में है। तो ये बड़ा इलाका है और ये आबादी के लिहाज से खाली इलाका था, सहरा था, जंगल था, रेगिस्तान था। तो ये कौम वहाँ पर पार कर आई और वहाँ पर उन्होंने कैंप डाल दिए। मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ थे। फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे नाज़ो नखरे किए, कहा कि हमको ऐसी जगह पर लाकर डाल दिए जहाँ पर ना पानी का इंतज़ाम है ना खाने का इंतज़ाम है, हमको बड़ी मुसीबत में तुमने मुबतला कर दिया है। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए मनोसलवा का इंतज़ाम किया, मनोसलवा का इंतज़ाम किया। तो उसके बाद उससे भी वो लोग बेजार हो गए। मनोसलवा एक आसमानी ग़िज़ा थी, अल्लाह ने उनको वो इनायत फरमाया था, तो वो उससे भी बेजार हो गए। तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि अल्लाह ताला से उन्होंने कहा कि हमें प्याज चाहिए, हमें ककड़ी चाहिए, हमें लहसुन चाहिए, ऐसी चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है, इस तरीके का उन्होंने मुतालबा किया। तो अल्लाह ताला ने मूसा से कहा कि तुम ऐसा कहो कि इस दरियाए इस सहराए सीना से मुत्तसिल एक इलाका है, वही अर्द कनान है जिस इलाके से ये लोग निकल कर आए थे, इनके यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनके भाई वगैरह। तो कहा कि तुम दोबारा उसी ज़मीन में वापस दाखिल हो जाओ,
दोबारा तुम उसी ज़मीन में दाखिल हो जाओ तो सूरह मायदा में कुरान ने कहा या कौम इदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दस अल्लती कतबल्लाहु लकुम, ऐ लोगो, ऐ बनी इसराइल के लोगो, तुम इस मुक़द्दस सरज़मीन में दाखिल हो जाओ, ये अल्लाह तबारक ताला ने इसमें ये ज़मीन तुम्हारे लिए फ़र्द कर दी है, तुम्हारे लिए लिख दी है, कि शर्त यह है कि तुम इसमें दाखिल हो जाओ, हाँ ऐसा ना हो कि तुम पीठ पे फेर कर भागोगे। तो उन लोगों ने हुज्जत की, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा हम कैसे चले जाए, अगर हम जाएंगे तो वो लोग हमको मार देंगे, लड़ाई होगी, हमारे पास कुछ हथियार नहीं है, हम कैसे उनका मुकाबला करेंगे, हम नहीं जाते, जाना है तुम जाओ, तुम्हारे रब को लेके जाओ, हम यहाँ बैठे हुए देखेंगे क्या होता है। इस तरीके की उन्होंने उल्टी सीधी बातें की, हुज्जत की। तो उसके बाद ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उन पर कहा कि ये नाफरमान कौम है और इस ज़मीन में जो मुक़द्दस सरज़मीन कही गई है इसमें तुम दाखिल नहीं हो रहे हो, तो तुम्हारी इस कौम की सज़ा ये है कि इसके बाद अगर तुम दाखिल होना चाहो तब भी नहीं हो सकते, अब 40 साल तुम भटकते रहो, 40 साल तक यतीहूना फिल अर्ध, तो वो सहरा सीना में 40 साल तक की पूरी कौम उनकी भटकती रही, वहीं पर उनको हर चीज़ वहीं पर उनको अपने इंतज़ाम करने पड़े, मशक्क़त में उन्होंने गुजारी अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से। तो कनआन फ़लस्तीन ये वो इलाका है जो बनू इसराइल को अल्लाह तबारक ताला ने तोहफे के तौर पर दिया था और उन्होंने उसका इनकार कर दिया था। फिर उसके 40 साल के बाद वो लोग उसमें दाखिल हुए और कुछ लोग वहाँ पर रहने लगे, आबाद होने लगे। इसके बाद इनके अंबिया, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो अंबिया आए बनू इसराइल में, उनकी बहुत बड़ी तादाद है। तो ये कौम जब फ़लस्तीन में दाखिल हो गई और अंबिया वहाँ पर अल्लाह ताला ने उनको भेजा, तो इन लोगों ने अंबिया के साथ बदतमीज़ी की, कत्ल किया, मुख्तलिफ़ किस्म का ज़ुल्म उन पर ढा दिया, हर तरीके से उनको सताया, बड़े बड़े हाँ जुर्म किए, यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, ज़करिया अलैहिस्सलाम को सताया, बहुत सारे अंबिया के साथ उन्होंने, कुरान ने कहा कि इनका पेशा बन गया था। एक बात रिवायतों में आता है कि एक दिन में उन्होंने 43 नबियों को अलग अलग इलाक़ों में कत्ल कर दिया। तो इस तरीके से उनकी दहशतगर्दी, कत्ल व गारतगिरी बहुत फैल गई थी इस इलाके में। आखिरी बनू इसराइल के आखिरी नबी कौन? ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्ने मरियम, ये आखिरी नबी बनाकर भेजे गए फ़लस्तीन में। तो उन्होंने उनको भी कबूल नहीं किया, उनके साथ भी बहुत सारा जुल्म किया, जेल में रखा, उनको बंद कर दिया। फिर जब उनकी ऐन जवानी में, जब उनकी उम्र 33 साल थी, उनको कत्ल करने की साजिश की। तो बनू इसराइल के आखिरी नबी ईसा अलैहिस्सलाम थे। तो अपने ही कौम के अपने ही नबी को, जो उलुल अज़्म अंबिया में उनका शुमार होता था, उससे पहले यहया अलैहिस्सलाम का उन्होंने कत्ल कर दिया, जो ज़करिया अलैहिस्सलाम के लड़के थे, हाँ और भी दीगर अंबिया को उन्होंने कत्ल किया था, बहुत सारी इनके जराइम थे। यह ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और उनकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम पर तोहमतें लगाईं, इल्ज़ाम लगाया, उनकी बेइज्जती, बेहुर्मती की, हाँ एक नबी की वालदा के साथ उन्होंने इस तरीके के हरकत की, और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहा। तो अल्लाह ताला ने उनको वहाँ से उठा लिया। जिस जगह पर ईसा अलैहिस्सलाम को
कैद में रखा गया था वो एक सख्त पथरीली ज़मीन है और उसके अंदर नीचे के हिस्से में जैसे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर ऊपर के हिस्से में होता है, उन्होंने नीचे सेलर में इस तरीके से फर्स्ट ग्राउंड सेकंड ग्राउंड थर्ड ग्राउंड फोर्थ ग्राउंड तक उन्होंने बनाए और उसके अंदर चौथी मंजिल के अंदर एक कमरा तारीख बनाया और उसके अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उसमें क़ैद करके रखा ताकि वहाँ से उनको कत्ल के लिए ले जाया जाए और ताकि लोगों को न मालूम हो। मैं 2016 में मैं उसकी विज़िट किया था तो उस जगह को देखा ख़ास तौर पर जहाँ पर उस जगह पर उनको क़ैद किया गया था और जिस जगह पर जिस वहाँ एक चर्च उन्होंने बनाई जहाँ पर इनको सूली पर लटकाने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया था। चार आदमी उसमें शामिल थे ईसा अलैहिस्सलाम को क़ैद करने में, तो अल्लाह ताला ने उनमें से एक आदमी को जो उसी शक्ल का था उसमें से उसको वहाँ से भेजा और उसको निकाल कर लेकर गए और उसकी जगह पर ईसा अलैहिस्सलाम की जगह पर एक दूसरा आदमी वहाँ रह गया। तो उन्होंने ये समझा कि यही ईसा है और उन्होंने उसको सूली पर चढ़ा दिया और ये समझने लगे कि हमने ईसा को सूली पर चढ़ा दिया है। तो यहूदी ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया, उम्र गए। लेकिन ईसाइयों का यह अकीदा है ईसा अलैहिस्सलाम मर तो गए, सूली पर उनको चढ़ा दिया तो गया, लेकिन वो दोबारा ज़िंदा होंगे और क़यामत से पहले आएंगे। उनका भी वही अकीदा है जो आम मुसलमान रखता है कि अल्लाह तबारक तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया। अलगर्द ये उनकी तारीख थी। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 70 साल पहले रूम का एक बादशाह था, उसका नाम था टैटोस। उसने 135,000 यहूदियों को कत्ल कर दिया था फलस्तीन पर हमला करके। फलस्तीन में वो लोग आबाद हो गए थे तो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले उनको बुरी तरीके से कत्ल कर दिया था और पूरे बेघर हो गए थे और वो लोग वहाँ से निकलकर इराक़ चले गए थे। ईरान के बादशाह ने उनको ग़ुलामों की हैसियत से मुंतकिल कर दिया था और वो वहाँ चले गए थे। जो कुछ बचे कुचे थे उन लोगों की ये साजिशें थी, ये कारिस्तानियाँ थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। तो उस ज़माने से 2000 साल पहले से आज पिछले 70 साल पहले तक अल्लाह ताला ने इस कौम को इतना जलील करके रखा कि कहीं दुनिया में इनको कोई ठिकाना नहीं मिला। तो ये दुनिया के दीगर मुल्कों में पनाह गुज़ीरों की हैसियत से रहते थे, इनका कोई अलग से यहूदियों के नाम का कोई मुल्क आबाद नहीं था। 1914 में पहली आलमी जंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, इस पहली आलमी जंग में इंग्लैंड ने यहूदियों से कहा तुम हमारा सपोर्ट करो, हमारी माली मदद करो, हम तुमको आबाद करने में दुनिया में किसी इलाके में ज़मीन देकर तुम्हारा मुल्क बनाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये इंग्लैंड ने कहा। उस वक्त इंग्लैंड दुनिया का सुपर पावर था, उसकी कुव्वत ताकत फौज हुकूमत हर जगह बढ़ी हुई थी। तो यहूदियों ने ये बात मान ली, तो यहूदी ये शुरू से ही ताजिर कौम है, बिजनेस करते हैं, तो ये बहुत सारे पैसे से इंग्लैंड की मदद करने लगे। तो उस वक्त का जो वहाँ का वज़ीर आज़म था प्राइम मिनिस्टर, उसका नाम था बिलफोर्ड, तो उसने 1917 में उन लोगों को यकीन दिलाया और एक
खुफिया अग्रीमेंट किया। ये तुमको चार ऑप्शंस देते हैं, तुम कोई एक ऑप्शन से इख्तियार करो, हम तुमको वो जगह फराहम करने में तुम्हारी मदद करेंगे। एक ऑप्शन से अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में, तुम वहाँ जाके आबाद हो जाओ, वहाँ हम तुमको ज़मीन दिला देंगे। दूसरी जगह मोजम्बिक या युगंडा अफ्रीका में, वहाँ बहुत सारी ज़मीन खाली है, तुमको वहाँ आबाद कर देंगे। फिर उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन ये है कि तुम फ़लस्तीन चले जाओ और फ़लस्तीन में हम तुम्हारे लिए ज़मीन फराहम करेंगे। तो उन लोगों की एक मीटिंग हुई और उन लोगों ने यह तय किया कि फ़लस्तीन हमारा आबाई, हमारे अंबिया का, हमारे रसूलों का मुकाम है, मुकद्दस जगह है, और वहाँ पर बैतुल मक़दिस है और दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत वहाँ पर थी और उनका तख्त हैकले सुलेमानी वहाँ पर है और हम उसको हासिल करेंगे। जिसके पास हैकले सुलेमानी या तख्त ताउस हो वो कभी हार नहीं सकता, उसको हमेशा जीत मिलती है, ऐसा उनका अकीदा था। तो उन्होंने कहा कि हमें फ़लस्तीन में जगह दीजिए। फ़लस्तीन में 1878 में यहूदियों की आबादी 3% थी, सिर्फ 3%, और 97% फ़लस्तीनी रहते थे। और उसके बाद से अंदरूनी तौर पर इनकी ये साजिशें शुरू हो गई और 1908 में उनकी आबादी 8% हो गई। फिर उसके बाद 1917 में जब ये करारदाद पास हो गई तो उनकी आबादी बढ़ती चली गई और उनको वहाँ पर जो 8% थी वो 12% तक पहुँच गई। और जो इलाका फ़लस्तीनियों के निगरानी में था, उनकी हुकूमत थी, वहाँ से वो घटता गया। और 1914 की जो आलमी जंग हुई, उस जंग के नतीजे में बहुत सारे इलाके, ये जंग असल हुई क्यों थी, आलमी जंग में एक तरफ इंग्लैंड और फ्रांस थे और अमेरिका था और दूसरी तरफ जापान और मुसोलिनी वगैरह के हुकूमतें उनके ख़िलाफ़ में थी, इटली वगैरह की। वो इसलिए कि ये लोग असल उस्मानी हुकूमत को तोड़ना चाहते थे। कौन सी हुकूमत? तुर्की हुकूमत को, जो उस्मानी हुकूमत कहलाती थी, उनको तोड़ना चाहते थे। और जो मुस्लिम ममालिक उनके निगरानी में चल रहे थे, जैसे अब यूरोप के बहुत सारे ममालिक उसमें हैं, जिसमें अल्बान हैं, यूगोस्लाविया के बहुत सारे इलाके, हसना बोस्निया हर्सिक वगैरह के इलाके हैं, सूफिया है, बल्गारिया का इलाका है, ये बहुत सारे इलाके यूनान के बाद इलाके हैं, ये सब मुसलमानों के निगरानी में उस्मानी हुकूमत में चल रहे थे। तो और बहुत सारे दीगर मुल्कों में भी इनकी हुकूमतें थी, अरब के बहुत सारे इलाके थे। तो तीन मुल्क इसके सिलसिले में उन्होंने 1900 इनके ख़िलाफ़ में लड़ना शुरू किया और 1917 में ये 18 में ये जंग ख़त्म हुई और बहुत सारे इलाके मुसलमानों के ख़त्म हो गए, तुर्की हुकूमत से ख़त्म हो गए। तो तीन मुल्कों ने इन इलाकों को अपने हक़ में तकसीम कर लिया। वो उसमें एक इंग्लैंड, दूसरा फ्रांस, तीसरा रूस। रूस ने उससे लगी हुई सारी इस्लामी रियासतें जो थी, बुखारा, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ताशकंद, जितने भी मशरिक़ वस्ता के इलाके थे, वो तमाम के तमाम रशिया ने ले लिए। और 1917 का सुर्ख इनकलाब मशहूर है, उसमें वो इलाके उसके अंदर ज़म कर लिए गए। फिर बाद में 1991 में उसकी शिकस्त हो गई और वो सब इलाके आज़ाद कर लिए गए।
फिर उसके बाद फ्रांस ने कुछ इलाके अफ्रीका के मुल्कों के, जैसे जज़ायर है, मगरिब है, अल्जीरिया है और उस ट्यूनिस है, इन इलाकों पर अपनी हुकूमत कायम कर ली और उनसे वो लोग फ़ायदा उठाने लगे। और इंग्लैंड अरब के इलाकों पर और इधर एशिया के बाद मुल्कों पर कब्ज़ा करने लगा। तो इस तरीके से वो फ़लस्तीन को अपने अंडर में ले लिया और लेकर फ़लस्तीन को काट दिया, तकसीम कर दी। और फ़लस्तीन की उस तकसीम से चार मुल्क और उससे कट कर उसे अलग हो गए। एक मुल्क तो अलग से इसराइल को ज़मीन दी, फिर कुछ इलाका मिस्र की तरफ चला गया, कुछ इलाका जॉर्डन में चला गया, उर्दन में, कुछ इलाका शाम में चला गया। फिर उसके बाद खुफिया एक मुआहदा हुआ बेलफोर्ट से, जो वज़ीर आज़म था वहाँ का, उसने कि हम तुमको यहाँ पर आबाद करने के लिए तुमको असबाब फराहम करते हैं। तो उसके बाद से 1917 के बाद से वहाँ से उसने अपनी हुकूमत को, लोगों को मुख्तलिफ़ मुल्कों में जो आबाद थे दुनिया के मुख्तलिफ़ यूरोपीय मुल्कों में, अमेरिका में, रशिया में, इधर उधर से उनको अलग अलग इलाकों से वहाँ पर लाने लगे। और ये सिलसिला चलता रहा 1947 तक। 1947 में इंग्लैंड ने अपनी फौजें फलस्तीन से निकाल ली। फलस्तीन से अपनी फौजें निकालने की वजह से वहाँ पर बहुत बड़ी खाना जंगी पैदा हो गई और यहूदियों में और मुसलमानों में, वहाँ के फ़लस्तीनियों के दरमियान में बहुत सारी जंगें हुई। ये सिलसिला पहले भी जारी था। 1936 में एक बड़ी खेप, 1,35,000 लोग यूरोप से लाए गए, मुसलमानों के 30,000 घरों को जला दिया गया, ढा दिया गया और वहाँ पर उनके घरों को आबाद किया गया। ये सिलसिला जारी रहा। फिर UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जब दुनिया में वजूद में आए 1945 में, तो 1948 में उन्होंने एक करारदाद पास करके, उसको एक रेगुलेशन पास करके, अमेरिका उसका हेड था, उसकी सरपरस्ती में उसने इसराइल को एक मुल्क बना दिया। और मुल्क बनाने के बाद उसकी एक अलग हैसियत हो गई और फ़लस्तीन को इसकी तकसीम कर दी। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, देखिए कि कौन सा इलाका कहाँ से कहाँ तक था, फिर होते होते 44% हो गया, 22% हो गया, अब यहाँ 15% लिखा हुआ है। मौजूदा सूरत हाल ये है कि इनके पास 12% से भी इलाका कम है। इस तरीके से वो दूसरे इलाकों से अपने लोगों को फ़लस्तीन में आबाद करने के लिए बुलाए, तो उनके लिए मसला ये था कि उनकी आबादी के लिए ज़मीन चाहिए थी, तो ये फ़लस्तीनियों को वहाँ से भगाकर, उन पर ज़ुल्म व सितम करके मुख्तलिफ तरीक़े से उनके गैर कानूनी तौर पर उन्होंने उन इलाकों पर कब्ज़ा किया और उनकी नौ आबादियात को वो बसाना शुरू किए। तो ये सिलसिला 1948 में जब उनकी एक हुकूमत बन गई, तो उसके बाद एक बड़ी जंग हुई। वो जंग तीन मुल्कों के दरमियान में हुई, एक तो फ़लस्तीन वहाँ था ही था, दूसरे मिस्र, उर्दन और शाम। इन तीनों मुल्कों को इसराइल को अमेरिका की सपोर्ट हासिल थी, उसकी वजह से वो लोग हार गए और इसने बहुत सारे इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। फिर उसके बाद दूसरी जंग एक बार फिर 1967 में हुई। 1967 में यहाँ जो इलाका मुसलमानों के इलाके में था, जॉर्डन के इलाके में शामिल था, जिसको हम अल-क़ुद्स कहते हैं, वो लोग उसको यरूशलम कहते हैं, उसके दो हिस्से हैं, एक ईस्ट एक वेस्ट। तो ईस्ट का इलाका मुसलमानों के पास था, तो इन्होंने उस पर कब्ज़ा कर लिया और उसी इलाके में बैतुल मक़दिस, जो मस्जिद अल अक्सा है, वो पाई जाती है, तो उस पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया और उस वहीं पर वो चाहते हैं
इनका प्लान ये है कि मस्जिद अक्सा को और उसके साथ करीब में जो कुब्बतुस सखरा है, कुब्बतुस सखरा आप तस्वीरों में देखते हैं एक पीली गुंबद की इमारत है, वो मस्जिद अक्सा नहीं है, उसको कुब्बतुस सखरा कहते हैं। सखरा के माने रॉक, चट्टान। तो वो चट्टान के ऊपर का टोम्ब है, गुंबद है, जो अब्दुल मलिक बिन मरवान ने उस पत्थर के ऊपर बनाया, जिस पत्थर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बुराक को बांधा था और उसी जगह से आप मेराज को गए थे। तो एक चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर वो गुंबद बनाई गई है और लोग उसमें नमाज पढ़ते हैं, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। उसके सामने के हिस्से में मस्जिद अक्सा है जहाँ पर मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और जिसमें एक नमाज का सवाब 500 नमाज के बराबर है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी नमाज पढ़ने की सआदत हासिल हुई है। तो वो मस्जिद मुसलमानों का पहला क़िबला है। मक्के में जब तक मुसलमान थे वो क़िबले अव्वल बैतुल मक़दिस की तरफ क़िबला करके नमाज़ पढ़ते थे, फिर जब मदीना आए तो मदीने में भी पहली मस्जिद जो बनाई गई उसका क़िबले का रुख मस्जिद बैतुल मक़दिस मस्जिद अक्सा ही की तरफ रखा गया। और जो आयत आपके सामने तिलावत की गई है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, अल्लाह के घर बैतुल्लाह से मस्जिद अक्सा किनारे की मस्जिद तक, दूर की मस्जिद तक, जिसको बैतुल मक़दिस कहा जाता है, और इस अल अर्ज़ुल मुक़द्दसा उस ज़मीन को कहा जाता है जब भी अम्बिया हैं, वहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मस्जिद में अल्लाह के उसी जगह पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अम्बिया किराम की इमामत की, फिर उसके बाद वहीं से आप मेराज के लिए रवाना हुए। और जो मस्जिद अब जहाँ पर है वो मस्जिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनाई थी, जिस जगह पर मस्जिद अक्सा है। ये दाऊद को बहुत मानते हैं, दाऊद और सुलेमान यहूदी उनको बहुत मानते हैं, और जो तख्त सुलेमानी हैं जिसकी वो लोग हैकल सुलेमानी कहते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपने कब्ज़े में उसको लें। तो हैकल सुलेमानी वो जो जंग हुई थी बहुत पहले, वो वहाँ से उसको उठाकर ले जाया गया आयरलैंड में, आयरलैंड में कुछ अरसा वो तख्त रहा, फिर उसके बाद उसको मुंतकिल किया गया स्कॉटलैंड में, फिर स्कॉटलैंड से उसको वहाँ मुंतकिल किया गया इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड में वो तख्त आज भी एक चेयर की शक्ल में उसको उन्होंने बना दिया है, और वो उससे उनकी जो पार्लियामेंट है इंग्लैंड की उससे मुत्तसिल जो चर्च है उसके अंदर उसको रखा गया है। और जो भी वहाँ पर पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म बनता है तो उसको उसी तख्त पर बिठाकर उससे हलफ लिया जाता है, ओथ ली जाती है, कसम ली जाती है, तो वो आज तक है। तो ये चाहते हैं यहूदी, ये चाहते हैं, उनकी जो फिक्र है वो क्या चाहते हैं कि मसला सिर्फ़ फ़लस्तीन का नहीं है, मसला सिर्फ़ गज़ा का नहीं है, मसला सिर्फ़ मगरबी पट्टी का नहीं है। वो लोग उनके अपने मंशूर में लिखा हुआ है कि हमें ज़मीन चाहिए नील से फुरात तक। नील से फुरात तक का मतलब नील शुरू होती है सूडान से और ख़त्म होती है बहुत हज़ारों किलोमीटर के बाद, और फुरात यह है बगदाद में। तो वो पूरी अरब दुनिया पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, तो उनका अपना प्रोजेक्ट ये है, उनकी अपनी फिक्र ये है, तंजीम ये है कि पूरी अरब दुनिया पर कब्ज़ा किया जाए। तो फ़लस्तीन ही को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं 75 साल से, क्योंकि ये ऐसी कौमन जब्बारीन, कुरान ने इनको कहा, उन्होंने कहा कि तुम जाके उनसे अंदर दाखिल क्यों नहीं होते, तो उन्होंने कहा कि वो तो बहुत ज़बरदस्त कौम है, लड़ाकू कौम है, हम उनके साथ जाके कहाँ से उनके साथ लड़ सकते हैं, इसलिए हम नहीं जाना चाहते हैं। तो वह ये जो फ़लस्तीनी कौम है बहुत
जंगजू और लड़ाकू कौम है, इतने सालों से वो मुज़ाहमत कर रहे हैं, वो और उनके बच्चे उसी जंग की हालत में पैदा होते हैं और उसी में पढ़ते हैं, शहीद होते हैं, आए दिन उनके पास जनाजे उठते हैं और ये मंज़र हम आए दिन देखते रहते हैं। तो वो चाहते हैं कि कुब्बतुस्सख़रा को हटा दिया जाए। कुब्बतुस्सख़रा जो ऊपर गुंबद है, वो ऊपर जो पीला बन देख रहे हैं वो कभी फीका नहीं पड़ता। वजह क्या है? वो सोने से बनाया हुआ है। उसको जॉर्डन का जो बादशाह है, गुजर चुका है, शाह हुसैन, हाँ, शाह हुसैन ने उसको, कहा जाता है कि 35 टन सोने से वो गुम्बद बनाई। तो ये यहूदी कहते हैं कि इनका जो पहला वजीर आज़म था उसने कहा कि हम जब पूरे अरब पर कब्ज़ा करेंगे तो हमारी जंग के लिए यही सोना, जो 35 टन का सोना है, इसको हम गिराएंगे और उस सोने को हमारी जंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो वो चाहते हैं मस्जिद अक्सा को गिराएं, कुब्बतुस्सख़रा को गिराएं और उसके बाद वहाँ पर वो अपना एक नया टेम्पल बनाएं, गिरजाघर बनाएं यहूदियों का, और उसके लिए वहाँ से वो तख्त लेकर आए जो इंग्लैंड के पास मौजूद है, और उसके बाद उनका अपना जो मंशूर है वो पूरा होगा और दज्जाल इनके हक़ में मुफीद साबित होगा। तो वो दज्जाल के बार बार आने की बात करते हैं, उसके इंतज़ार की बात करते हैं। ये तो हो गई तारीख। बात यह है, एक 5 मिनट के अंदर बात अपनी ख़त्म करता हूँ, कि इसका हल क्या है, इसका हल क्या है। ये आए दिन मुसलमानों को बकरियों की तरह, मुर्गियों की तरह, जानवरों की तरह ज़ुबा कर रहे हैं, कोई मुंह नहीं खोल रहा है। इस्लामी ममालिक भी खामोश हैं, अरबी ममालिक भी खामोश हैं, और यूरोप तो उनका खुलेआम साथ दे रहा है। दूसरी तरफ हुकूक़ इंसानी की बात करने वाले कहते तो हैं लेकिन कोई हुकूक़ इंसानी नहीं है। मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, उनके घर गिराए जा रहे हैं, पानी रोका जा रहा है, ग़िज़ाएँ रोकी जा रही हैं, ज़रूरत ज़िंदगी को मुअत्तल करके रखा हुआ है कोई, और अमेरिका उसकी सरपरस्ती कर रहा और कह रहा है कि तुम अपना जो नुकसान हुआ है उसका तुम बदला लो। कितना बदला लेंगे? उसकी वजह यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल-कुफ्रु मिल्ला, मुसलमानों के मुकाबले में पूरी दुनिया एक है। अल-कुफ्रु मिल्ला, तो उसके मुकाबले में मुसलमानों को भी एक होना चाहिए। अल-इस्लामु मिल्ला, लेकिन हम अल-इस्लामु मिल्ला नहीं हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान को कोई वास्ता नहीं है फलस्तीन के मुसलमान से, कोई हमदर्दी नहीं है, किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं है। दुनिया के एक इलाके के मुसलमान दूसरे इलाकों से कटे हुए, ये जुड़े हुए नहीं हैं। पूरी इस्लामी हुकूमतें 22 इस्लामी ममालिक हैं, 22 इस्लामी ममालिक एक जगह जमा नहीं है, थाली के बैगन की तरह उछलने वाले हैं, किसी के पास इत्तेहाद व इत्तेफाक नहीं है, सब अमेरिका के दबाव में हैं या अपनी हुकूमत पर जवाल आ जाएगा, नुकसान हो जाएगा, उनके बहुत सारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, इस तरीके का वो लोग ख्याल करके कोई भी बयान तक देने के लिए तैयार नहीं, किसी किस्म का कदम उठाने के लिए तैयार नहीं। शाह फैसल रहमतुल्लाह ने 1973 में जब जंग हुई थी उसमें, उस वक़्त उन्होंने कहा था कि सारे इस्लामी ममालिक को बैक वक्त जमा होकर एक साथ इसराइल पर हमला करना चाहिए ताकि इसराइल को इस ज़मीन से मुस्तकिल तौर पर मिटाया जा सके और उसकी ये जो
सरकशी है वो ख़त्म हो जाए। ये इतनी सरकश कौम है कि इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बहुत सारी दुश्मनियाँ की, अल्लाह के रसूल को कत्ल करने की कोशिश की, चट्टान गिराने की कोशिश की, जंगों में मुसलमानों के दुश्मनों का साथ दिया। तो अल्लाह के रसूल ने तीनों कबीलों को उनके अपने नाफरमानी की बुनियाद पर बनू कैनुका, बनू नज़ीर, हाँ बनू कुरैज़ा, सबको मदीने से निकाल बाहर किया, खैबर में ले आकर आबाद किया। उनकी बहुत सारी सरकशियाँ हैं। तो इसका हल ये है कि सारे इस्लामी ममालिक और अरबी ममालिक एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो। बहुत थोड़े साल, एक दो साल पहले बड़ी इनके पास बातें आई कि हम 35 मुल्कों की, 40 मुल्कों की एक फ़ौज बना रहे हैं जो इस्लामी फ़ौज कहलाएगी और मुसलमानों पर कहीं जुल्म होगा तो उसके ख़िलाफ़ में खड़ी होगी। कोई नहीं, किसी की आवाज़ नहीं है, कोई उठ नहीं रहा है। हाँ फिर भी गैर मुस्लिम हैं, उनके पास नाटो जैसी फ़ौज है, यहाँ पर कोई फ़ौज नहीं, ना अरबियन मुल्कों की है, ना इस्लामी मुल्कों की है, ना इनका कोई ये है। अब हम बहैसियत मुसलमान एक फ़र्द के कुछ नहीं कर सकते सिवाय दुआओं के, ऐसा हमारा ख्याल है। लेकिन उसके बावजूद भी हम इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने में, लोगों को जगाने में, अवेयरनेस करने में हम उनके साथ अपनी बात को शेयर कर सकते हैं और लोगों को ये बता सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स इसराइल के हैं उन प्रोडक्ट्स का आप बायकॉट करें। हमारे बच्चों को मैगी पसंद है, मैगी कहाँ से आती है, मैगी का प्रोडक्ट कहाँ का है, इसराइल का है, मत खाइए। हाँ हमारे बहुत से चॉकलेट्स आते हैं, हाँ तो वो सब कहाँ से आते हैं, हाँ यूरोप से आते हैं, हाँ स्विस, हॉलैंड, तो ये सब इनके तायद करने वाले ममालिक हैं, आप मत खाइए। आपके शूज़ आपको बाटा के पसंद है, बहुत पायदार है, लंबा चलते हैं, मत यूज़ कीजिए। ऐसा आप बाटा का शूज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जीन्स टी शर्ट्स उनकी अपनी कंपनीज़ के हैं, हाँ जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं हम देखें, उसकी तफसीलात मालूम करें, बायकॉट करें। कि हम पेप्सी हैं, पे एवरी पेंस टू सेव इसराइल, उसका नाम ही इसीलिए रखा गया है पेप्सी, पी से पे, ई से एवरी, हाँ पेंस, पेंस के माने उनका पैसा, सेफ टू इसराइल, इसराइल को सेफ करने के लिए पेप्सी खरीदेंगे तो उसका कुछ हिस्सा इसराइल को जाएगा। तो आप उसको डोनेशन दे रहे हैं, हम उसको डोनेशन दे रहे हैं, उसके चीज़ों का प्रोडक्ट को प्रमोट करके, उसको ख़रीद के, उसको खा के खिला के बिजनेस करके। तो ऐसी चीज़ों का बायकॉट करें। काफ़ी वक्त हो गया है, मैं ये आजकल के जो हालात और वाक़यात हैं उस पर हमें लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए और हमारे मुस्लिम भाई जो इनसे मुतासिर हो रहे हैं, हमें जो मुमकिन उनकी ताउन की शक्लें निकल सकती हैं उस पर गौर व फिक्र करना चाहिए और माहिरीन से इस पर गुफ्तगु करनी चाहिए। मैं अल्लाह तबारक ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक ताला हमारी उम्मत मुस्लिमा को दुश्मनों के मकर और फरेब से महफूज रखे, हमारी फ़लस्तीन कौम की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक ताला उन्हीं उनकी ज़िंदगियों में बहुत सारी जो तब्दीलियाँ आई हैं उसको नॉर्मल हालत में उन पर लेकर आए, उनकी ज़मीन को और उनके मुल्क को उनके लिए अल्लाह तबारक ताला बचा कर उनको महफूज अपने मकामों पर लाए। अल्लाह ताला दुश्मन को तबाह करे, उनको तबाह व बर्बाद करे, उनको अल्लाह तबारक ताला उसका इंतकाम ले और हम मुसलमानों को इत्तेहाद व इत्तेफाक से रहने की तौफीक अता फरमाएँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।